बिना कोई अंडा, बिना कोई ओवन की टेंशन के सिर्फ 15 मिनट में तैयार कीजिए ये बेकरी से ज़्यादा बेहतरीन पेस्ट्रीज जो आप बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सौम्या और आप देख रहे हैं फेस्टिव फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी तीन बहुत ही डिलीशियस से फ्लेवर्स जिसे आप बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं, और ये तीनों ही पेस्ट्रीज़ मैंने बिना बेक किए तैयार की हैं। इनका टेक्सचर देखिए आप, बिल्कुल बेकरी जैसा लुक लग रहा है और बहुत आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही कम खर्चे में तैयार भी हो जाती हैं और बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आती हैं। इसमें मैंने चॉकलेट ट्रफल पेस्ट्री की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की है, जिसमें ट्रफल बनाने का पूरा स्टेप बाय स्टेप मेथड इस वीडियो में शेयर किया हुआ है। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो फेस्टिवल स्पेशल रेसिपीज के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इस डिलीशियस पेस्ट्री को बनाना। इन डिलीशियस पेस्ट्रीज को बनाने के लिए आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं ब्रेड्स का। यहाँ पर जो हमें ब्रेड यूज़ करनी है वो बड़े स्लाइसेस वाली सैंडविच ब्रेड यूज़ करनी है। आप इसके लिए वाइट ब्रेड या फिर ब्राउन ब्रेड कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप ब्रेड यूज़ कर रहे हो उसके किनारे को हम कट करके इस तरीके से निकाल देंगे। आप चाहें तो इसके लिए नॉर्मल छोटी जो ब्रेड्स आती हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं, पर उस केस में जो आपकी पेस्ट्रीज हैं वो यहाँ पर थोड़ी से छोटे साइज़ की बनेंगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पर सारे ही ब्रेड के किनारों को इस तरीके से निकाल दिया है, और किनारों को हम एक साथ अलग इकट्ठा कर लेंगे, उसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक पेस्ट्री में आपको कितने ब्रेड स्लाइसेस यूज़ होने वाले हैं। आप पेस्ट्री का साइज़ अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें 4 से 5 स्लाइसेस का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक पेस्ट्री को बनाने में 4 ब्रेड स्लाइसेस का यूज़ किया है। अब यहाँ पर जो हमने ब्रेड के किनारे निकाल करके रखे हैं, आप इनको डिस्कार्ड मत कीजिए। आप इनको मिक्सी में चलाकर इसके छोटे छोटे से क्रम्स बना लीजिए, और उनको हल्का सा रोस्ट करके आप पैन में और इनको रख दीजिए आप रेफ्रिजरेटर सेक्शन में। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते, आप इसे पकौड़े वगैरह कोट करने में यूज़ कर सकते हैं। अब हम पेस्ट्री बनाने के लिए क्रीम को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप जितनी हैवी व्हिपिंग क्रीम ली है, और इस क्रीम को हमें सबसे पहले अच्छी तरह से बीट करना है। क्रीम को बीट करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि हमें यहाँ पर एकदम चिल्ड व्हिपिंग क्रीम का यूज़ करना है। अगर क्रीम ज़्यादा ठंडी नहीं होगी तो उसे व्हिप करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से व्हिप कर लिया है, और उसे व्हिप करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, हार्डली 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। और जब ये अपनी जगह से मूव नहीं करिए इसका मतलब क्रीम बनके बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके से हम इस बीटर को अच्छी तरह से एक बार हाई स्पीड पर चलाते हुए ऊपर की तरफ उठाते हुए इसे क्लीन कर लेंगे और उसको साइड रखते हैं। अब हम तैयारी करते हैं शुगर सिरप की, जो हमें इस पेस्ट्री को बनाने के लिए लगने वाला है। इसके लिए मैंने एक बोल में लिया है 1/2 कप जितना पानी। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 बड़े चम्मच जितना पिसी हुई चीनी, और चीनी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इस पानी के साथ में, और ये हमारा शुगर सिरप तैयार है जिसे हम अपनी पेस्ट्री को सोक करने में इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी पाइनएप्पल पेस्ट्री बनाने की रेसिपी। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके का एक टर्न टेबल यूज़ किया। आप किसी भी थाली को उल्टा करके रख कर उसके ऊपर इसको असेंबल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक ब्रेड का स्लाइस लिया है जो मैंने पहले से कट करके तैयार करके रखा था। इसको हम तैयार किए हुए शुगर सिरप से अच्छी तरह से वेट कर लेंगे। हमें यहाँ पर शुगर सिरप अच्छी क्वांटिटी में लगाना है, क्योंकि जो ब्रेड है उसमें अच्छे से मॉइस्चर होगा तभी वो खाने में एकदम सॉफ्ट लगेगी। इसको लगाने के बाद हम इसके ऊपर जो तैयार की हुई हमारी व्हिपिंग क्रीम है उसे स्प्रेड करेंगे। क्रीम में पाइनएप्पल फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके का पाइनएप्पल क्रश यूज़ किया। ये छोटी पैकिंग में भी बहुत आसानी से आपको किसी भी बेकरी स्टोर पर मिल जाएगा। अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते और नहीं एक्स्ट्रा खर्चा करना चाहते हैं तो आप सिंपल जो मार्केट में पाइनएप्पल फ्रूट आता है उसके छोटे छोटे पीसेस को कट करके यहाँ पर क्रीम में मिक्स कर दीजिए, और उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इससे भी आपको पाइनएप्पल का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर मिलेगा इस पेस्ट्री में। तो मेरे पास ये क्रश पड़ा हुआ है इसीलिए मैं का यूज़ कर रही हूँ। क्रश डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से क्रीम के साथ पहले मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद इसे अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। अब ये देखिए, ये जो स्लाइस है ये अपनी जगह से हिल रहा है, यानी इसे आपको कोटिंग करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी। तो आप क्या कीजिए, इसके नीचे थोड़ा सा क्रीम जो है नीचे सेंटर पर लगा दीजिए, और उसके ऊपर इस ब्रेड को प्रेस कीजिए। ऐसा करने से आपकी जो ब्रेड है वो मूव नहीं करेगी और बहुत आसानी से आप इसे डेकोरेट कर पाएंगे। यहाँ पर हम इस क्रीम को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेते हैं। क्रीम आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ी क्रीम ज़्यादा भी लगा सकते हैं, या फिर चाहें तो इस तरीके से थोड़ी कम क्रीम में भी काम चला सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस क्रश को प्रॉपर अलग से मिक्स कर सकते हैं, पहले थोड़ी सी क्रीम में उसके बाद यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर चाहें तो जैसे मैंने यूज़ किया है इसी तरीके से आप इस स्टेप को कर सकते हैं। वापस से मैंने यहाँ पर एक ब्रेड का स्लाइस रखा है, और उसके बाद फिर हम उसी स्टेप को रिपीट करेंगे जो हमने पहले किया था। साइड की एक्स्ट्रा क्रीम को हम इस तरीके से निकाल देंगे, और इससे हम इसे स्मूथ कर लेंगे।
और अब हम यही स्टेप रिपीट करेंगे अपने चारों स्लाइसेस के साथ। तो क्योंकि मैंने आपको बताया मैं यहाँ पर चार स्लाइसेस का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे इससे ज़्यादा स्लाइसेस से भी बना सकते हैं, उस केस में आपकी जो पेस्ट्री है वो थोड़ी सी ज़्यादा टॉल बनेगी। अगर आप फ्रेश पाइनएप्पल फ्रूट का यूज़ कर रहे हैं तो उसको यूज़ करने से पहले आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो पाइनएप्पल आप यूज़ करेंगे वो एकदम मीठा होना चाहिए टेस्ट में, क्योंकि अगर वो ज़्यादा खट्टा होगा तो उससे आपकी पेस्ट्री का टेस्ट ख़राब हो सकता है। और उसको छोटे छोटे स्लाइसेस में ऐड कट करने के बाद ही आपको क्रीम के बीच में यहाँ पर ऐड करना है स्लाइसेस के बीच में, और उसके बाद इसी तरीके से हम अपने चारों स्लाइसेस को असेंबल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने चारों ब्रेड्स को असेंबल कर लिया है, और जब हम टॉप पे आ जाएंगे तो इसको भी वापस से शुगर सिरप से वेट करने के बाद हम यहाँ पर प्लेन व्हिप क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। अब हम यहाँ पर कोई भी क्रश नहीं ऐड करने वाले हैं, सिंपल जो हमने व्हाइट क्रीम को व्हिप करके रखा था उसी से हम इसे पूरी अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे अच्छी तरह से कवर कर लिया है चारों तरफ से, और जो भी एक्स्ट्रा क्रीम होगी उसे फिनिश करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ छोटा सा स्क्रेपर। नॉर्मली जो आप कपड़े वगैरह खरीदते हैं उसके साथ में जो टैग्स आते हैं, आज हम उसका यूज़ करके इसे बहुत ही फिनिश्ड लुक देने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा स्क्रेपर है इस तरीके का, इसके जो बैक साइड है इसको हम यूज़ करेंगे। आप इसे अच्छी तरह से वॉश कर लें यूज़ करने से पहले, और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से इस तरीके से प्लेन कर लेंगे। इससे आपकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आ जाती है और आपको एक्स्ट्रा कोई खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने इसको अच्छी तरह से फिनिश कर लिया है। अब इसको करने के बाद इसको ऊपर से अच्छा सा पाइनएप्पल लुक देने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ न्यूट्रल जेल का। जैसे कि नॉर्मली बेकरीज में आपने देखा है ना पेस्ट्री के ऊपर बढ़िया सा कलर पड़ा होता है, बिल्कुल वही हम यूज़ करेंगे। इसके लिए हम न्यूट्रल जेल का इस्तेमाल करें हैं जो बेकरी में भी फिनिशिंग लुक के लिए यूज़ किया जाता है। ये बहुत आसानी से आपको मार्केट में भी मिल जाता है, आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आप इसे घर में भी तैयार कर सकते हैं। ये बनाना बेहद आसान होता है। इसकी रेसिपी आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आप चाहें तो वहां देख सकते हैं। अगर आप मेरे से जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इसकी पूरी रेसिपी डिटेल में दे दूंगी। इसको मैंने पानी डालने के बाद थोड़ा सा इस तरीके से स्मूथ कर लिया है, और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी हमें इस तरीके की रखनी है, मतलब थोड़ी सी स्प्रेडिंग होनी चाहिए, बहुत ज्यादा पतला इसे नहीं करेंगे। ऐसा करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कलर अपनी चॉइस का। मैं यहाँ पर पाइनएप्पल पेस्ट्री बना रही हूँ इसीलिए मैंने यहाँ पर येलो जेल कलर का इस्तेमाल किया है। ये कलर डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसमें कोई भी टेस्ट नहीं होता है, ये फ्लेवरलेस होता है, ये सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप चाहें तो इस पेस्ट्री को कैसा भी डेकोरेट कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से, पर मैंने यहाँ पर इसको बिल्कुल बेकरी जैसा लुक देने के लिए इस न्यूट्रल जेल का इस्तेमाल किया है। जेल को इसके ऊपर अप्लाई करने के बाद आपको बहुत ही स्मूथ, मतलब बहुत ही लाइट हैंड से आपको इसे स्प्रेड करना है, वरना आपकी जो क्रीम की जो फिनिशिंग है वो ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने इसे स्प्रेड कर लिया है चारों तरफ। अब ये देखिए बहुत ही बढ़िया सी फिनिशिंग आ गई है। अब हम इसे टू पीसेज में कट कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल किया है तो वो अच्छी खासी बड़ी होती है, जिसमें आसानी से आप दो पीस पेस्ट्री के बना सकते हैं। इसको ऊपर से मैंने यहाँ पर जो वाइट वाली क्रीम थी उसको इस तरीके से पाइपिंग बैग में भर करके यहाँ पर स्टार नोज़ल यूज़ करके M1 स्टार नोज़ल यूज़ किया है, और इसके बाद मैंने यहाँ पर छोटा सा फ्लावर बना के उसके ऊपर चेरी से डेकोरेट किया है। आप इसे जैसे चाहें वैसे डेकोरेट कीजिए, और बहुत ही डिलीशियस सी पाइनएप्पल पेस्ट्री बन के तैयार है। अब हम बढ़ते हैं स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री की तरफ, जो हमारी सेकेंड रेसिपी है। इसके लिए मैंने यहाँ पर मिक्स जैम लिया है जो सभी के घरों में होता है, और इसके साथ हम इसमें थोड़ा सा वार्म वाटर ऐड करेंगे, और उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट का जैम भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस का फ्लेवर है वो आप बहुत ईजिली बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई क्रश लाने की ज़रूरत नहीं है मार्केट से, सिंपल जैम से हम ये पेस्ट्री बहुत ही डिलीशियस तरीके से बना सकते हैं। इसमें हमने क्रीम ऐड कर दी है, और उसके बाद हम इसे साइड रख लेंगे। अब हम पुराने उसी स्टेप से जाएंगे जैसे हमने पहले किया था, एक ब्रेड के स्लाइस को रखेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा शुगर सिरप अप्लाई करेंगे, उसके बाद हमारी जो क्रीम है उसको अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। क्रीम को आपको अगेन वैसे ही लगाना है जैसे हमने पहले वाले स्टेप में किया था, फिर हम उसके ऊपर नेक्स्ट अपनी स्लाइस रखेंगे, फिर हम इसी तरीके से रिपीट करते हुए वापस से उन स्टेप्स को हम इसके टॉप लेयर पे आ जाएंगे।
यहाँ पर भी मैंने 4 ब्रेड स्लाइसेस का ही यूज़ किया है। आप चाहें तो इसके लिए भी ज़्यादा स्लाइसेस या फिर कम स्लाइसेस अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। ऊपर से इसको स्ट्रॉबेरी लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपल वाइट क्रीम में थोड़ा सा पिंक कलर यूज़ किया है। ये पिंक जेल कलर है, इसको हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इससे इसकी फाइनल कोटिंग करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, मैं इसको ऊपर टॉप लेयर पे आने के बाद इसको थोड़ा सा शुगर सिरप से वेट करने के बाद यहाँ पर इसे पूरी तरह से इस क्रीम के साथ में अच्छी तरह से कोट कर लूँगी। इसको भी मैंने उसी तरीके से उसी स्क्रेपर की मदद से फिनिश कर लिया है और अब मैंने यहाँ पर सेम वही जो हमारा न्यूट्रल जेल था उसमें थोड़ा सा रेड कलर मिक्स कर दिया है और इसे हम ऊपर की तरफ स्प्रेड कर देंगे। अगर आप न्यूट्रल जेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल से आप इसे स्किप कर सकते हैं। आप इसकी जगह चाहें तो अपने मन चाहे मुताबिक इसका डेकोरेशन कर सकते हैं। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फेस्टिव फूड रेसिपीज़ को आप ज़रूर टैग कीजिएगा इंस्टाग्राम के पेज पर। ये देखिए, हमारी जो पेस्ट्रीज़ हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। इनको हम 2 पीसेस में कट कर लेते हैं और ऊपर से ही हम वापस से उसी तरीके से डिज़ाइन बनाते हुए एक छोटा सा स्टार से इस तरीके से फ्लावर बना देंगे। और यहाँ पर इसको मैं ऊपर से चेरीज़ वगैरह से डेकोरेट नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो ऊपर से स्ट्रॉबेरी से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस सी हमारी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की पेस्ट्री तैयार है। अब हम बनाते हैं ट्रफल पेस्ट्री। चॉकलेट ट्रफल पेस्ट्री बनाने के लिए सबसे पहले हम ट्रफल तैयार करेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है और इसको हम अच्छी तरह से इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप इसमें ट्रफल अपनी रेसिपी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा प्रिपेयर किया है क्योंकि मैं इसे फर्दर किसी और रेसिपी में भी यूज़ करने वाली हूँ। चॉकलेट को छोटा छोटा चॉप करना इसलिए ज़रूरी है ताकि चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो सके। तो यहाँ पर टोटल 500 ग्राम से इतनी पूरी चॉकलेट को मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया है। इस ट्रफल को ही चॉकलेट गनाश कहा जाता है, तो इस गनाश को बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्रीम का यूज़ करने वाली हूँ। इसके लिए हमें डेरी बेस्ड क्रीम चाहिए। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम जितनी क्रीम ली है। क्रीम को एक मैंने पैन में डाल दिया है और इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छी तरह से थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे लगातार चलाते हुए हल्का सा स्टर कर लेना है ताकि इसमें हल्के हल्के से बबल्स आने शुरू हो जाएं। ये देखिए, इसमें हल्के हल्के से बबल्स आने शुरू हो गए हैं। इस मोमेंट पर हम बिल्कुल अच्छे से इस गैस के फ्लेम को कर देंगे और इसी टाइम पे जब इसमें फ्लेम बंद कर दिया है हमने, अब हम यहाँ पर अपनी जो तैयार की हुई चॉकलेट थी यानी कि जो हमने कट करके रखी थी वो सारी चॉकलेट यहाँ पर डाल देंगे। अब हमें इस चॉकलेट को इस क्रीम की हीट के साथ में मेल्ट होने देना है और इस तरीके से बीच बीच में आप इसको स्टर करते रहें ताकि इवन सा हमारा बहुत ही डिलीशियस सा चॉकलेट गनाश बन के तैयार हो जाए। तो ये देखिए, जब आपकी चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी तो इसका मतलब आपका गनाश बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार है। इस गनाश यानी कि चॉकलेट ट्रफल को रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, उसके बाद आप इसे किसी भी डेजर्ट या फिर केक्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर पेस्ट्री तैयार करें तो इसीलिए हम इस गनाश को थोड़ा सा पाइपिंग कंसिस्टेंसी पे लाएंगे। इसके लिए आप इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर दीजिए और इसके ऊपर थोड़ा सा क्लिंग रैप लगा करके हम इस गनाश को थोड़ा सा थिक कर लेंगे ताकि ये अच्छे से स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी पे आ जाए। अभी ये काफ़ी लूज़ है, इसीलिए अगर आप इस समय पर गनाश को स्प्रेड करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से क्लिंग रैप से कम्प्लीटली कवर करके इसको रख दूंगी रेफ्रिजरेटर सेक्शन में ताकि ये अच्छी तरह से थोड़ा सा फर्म हो जाए, जिससे हमें इस पेस्ट्री को डेकोरेट करने में आसानी हो। मेरे पास ऑलरेडी गनाश तैयार है तो आज मैं उसका यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने एक ब्रेड का स्लाइस लिया है जिसको मैंने अच्छी तरह से उसी शुगर सिरप के साथ में कोट कर लिया है। ये जो गनाश है इसको मैं अच्छी तरह से पाइपिंग बैग में भर करके यहाँ पर स्प्रेड कर रही हूँ। जब आप इसे फ्रिज में रख देंगे तो ये इस तरीके की पाइपिंग कंसिस्टेंसी पर आ जाएगा। अगर आपको फ्रिज में रखने के बाद गनाश थोड़ा ज़्यादा टाइट लग रहा है तो आप इसको वापस से थोड़ा सा हल्का सा माइक्रोवेव में रख कर या फिर डबल बॉयलर मेथड से थोड़ा सा मेल्ट कर लीजिए ताकि ये स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी पर आ जाए। इसको मैंने अच्छी तरह से एक स्लाइस पर लगा लिया है। वापस से हमने इस तरीके से स्टैक करते हुए अपने सारे स्लाइसेस को अरेंज कर लिया है और यहाँ पर हमने कोई भी क्रीम का यूज़ नहीं किया, सिंपल इसी चॉकलेट गनाश से हमने इन सारी ब्रेड्स को स्टैक किया है। अब हम यहाँ पर टॉप पे भी अपना जो ये चॉकलेट गनाश है इसको स्प्रेड करते हुए इसे चारों तरफ से इसी गनाश के साथ में कोट कर लेंगे। गनाश से अच्छी तरह से कोट करने के बाद मैंने इसी गनाश को थोड़ा सा वापस से थोड़ा सा लूज़ कर लिया यानी अच्छी तरह से इसको हीट कर लिया है और ये वापस से स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी पे आ गया है। इसको मैं ऊपर से इसको चॉकलेट से पूरा कवर कर दूंगी ताकि कहीं पर भी जो ये ब्रेड दिख रही है वो बिल्कुल भी नहीं विजिबल रहेगी। अब इस तरीके से हम इसे चारों तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। इसको स्प्रेड करने के बाद आप ऊपर से अपने मन चाहे हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हैं या फिर चाहे तो आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ये ऐसे भी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है।
इन ब्रेड पेस्ट्रीज को आप सेम डे ही कंज्यूम कीजिएगा, क्योंकि रखने के बाद थोड़ी सी ज़्यादा टाइट हो जाती है अगर हम कंपेयर करें हमारे जो नॉर्मल जो हम पेस्ट्रीज को बेक करके बनाते हैं उनके कंपैरिजन में। तो आप इनको सेम डे कंज्यूम कर रहे हैं तो ये ऐसे ही फ्रेश हैं और बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, ये डिलीशियस ही तीनों फ्लेवर्स की पेस्ट्री आपको बेहद पसंद आएंगी। आप चाहें तो इसके अलावा अपने कोई और फ्लेवर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे नटीला पेस्ट्री बना सकते हैं या फिर मैंगो पेस्ट्री, जो भी आपकी चॉइस की हो वो आप अपने घर में बनाइए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको ये तीनों फ्लेवर्स पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फेस्टी फूड रेसिपी। बाय बाय एंड टेक केयर।